एसिड वॉश होगी। अब मैं आपको कोच भी बताता चलूँ, ये गाड़ी मैंने कैसे ली थी। ऐसे ली थी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक अगेन। तो आज का दिन सैटरडे संडे है और आज एक बड़ा बड़े दिन बाद ही काम करने जा रहे हैं, जो वाला कार वॉश करवाने जा रहे हैं। तो गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल है, काफ़ी दिन बाद कार वॉश करवाने, क्योंकि पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा गाड़ी यूज़ हुई है लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं कार वॉश नहीं करवाया। तो वैसे मैं जा रहा हूँ कार वॉश करवाने, ठीक है। तो देखते हैं कैसी गाड़ी लश पश निकलती है, ठीक है। चले आ चलो, गाड़ी की हालत क्या हुई है, उफ मिट्टी में मीट हुई, ऐसा लगता है पता नहीं का वो नहीं किसी कस्टम वाले से निकलवाई होती तो वो हालत हुई। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, उफ सही बुरा हाल हुआ गाड़ी का। उसे भी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकाल के फिर चलते हैं, ठीक है ना, कार वॉश करवा लें। अभी यह है कि गाड़ी का कवर भी दिलवाना, कवर कर दिए वो कोने में पड़ा है जाके, कवर भी दिलवाना, इसको भी ले जाते हैं। उठाते उठाते कपड़ों का बुरा हाल हो जाएगा। कार वॉश करवा रहे थे, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनका पेट्रोल पंप है इनके पास, आते ट्रस्टेड भी होता है, चलो उनके पास ऑफिस में बैठ के गपशप भी लग जाती है। ये देखेंगे कवर का फाइल, सारी सफाई से भी होगी वही भी लगे। कितनी कितनी टैज आरिफ तेरा क्या बने। चलो स्टार्ट हो गया काम, गाड़ी वॉश। आज मौसम भी थोड़ा बीच सा हुआ है, बादल भी आएंगे, देखो बादल दूध भी नहीं है, थोड़ा बीच सा मौसम है। कोई चीज़ बताते चलो, इधर ना हम क्रिकेट भी खेलते हैं एवरी सैटरडे नाइट या संडे नाइट भी क्रिकेट खेलते हैं। रमजान में कुछ ऐसे हर हफ्ते ही खेलते हैं, उसमें ऐसा रोज खेलते हैं वहाँ पर, लेकिन इधर भी ना उसमें बहुत सैटरडे नाइट खेलते हैं। अभी जगह देखिए बहुत प्यारी जगह बनी है, यहाँ पर हमारी विकेट होती है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आऊँगा अभी खेलने, तो आपको दिखाऊँगा। मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, बस देश का सारे वहाँ पर सीजन मेला काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये देखें अभी ये सारी जगह, वो ऊपर भी फील्डिंग होती है, सारी जगह सूख जाते हैं ना, यहाँ सारी हम क्रिकेट खेलते हैं। वो सामने दीवार को टच करेंगे डायरेक्ट छिक्का है, और नीचे जो चौका है और घंटे का
ये साबुन साबुन लगाने मल लगाने हो गई है, बल्कि अब तो सुखाई टाइम है। बस एक चीज़ रह गई, वो सामने कवर पड़ा हुआ है। अब कवर पता नहीं कितनी देर में होता है कि नहीं, यहाँ से कवर को क्लियर, इसको गाड़ी को क्लियर करके कवर हो जाएगा। ले लो गाड़ी तो लश पश साफ होगी, फिट कर सही। एसी का फिल्टर भी साफ करने वाला, बस बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। गाड़ी फिट फाट होगी, लशपश होगी। बताता चलो, ये गाड़ी मैंने कैसे ली थी। ऐसे ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह है कि मेरी एक ड्रीम कार भी आई है। मैंने आपको को कहा था जब ये गाड़ी चेंज करी, पहले मेरे पास थी क्रोला 98 मॉडल ना, तो अबू ने मुझे कहा था अरे यार दे लो कोई। मैंने बल्कि अब कहा था गाड़ी चेंज करने का दिल कर रहा है, कौन सी लेना। अब देखिए कौन सी मुझे बता दे, लेकिन इस रेंज से इतनी तक हो ठीक है, मतलब कि ज़्यादा महंगी ना हो तो ये तो ना, तो ये तो गाड़ी का मैं इस रेंज को तो पहुँच ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि गाड़ी मैं ले सकता हूँ। तो लेकिन मैं करते कराते मैंने होंडा सिटी देखी, मैंने कहा चलो वो ले लेता हूँ, नहीं ले लेते यूज़ ले लेते जो भी है ठीक है। वो करते करते थोड़ा सा अबू ने कहा चल थोड़ी अच्छी है होंडा, अबू कहते मुझे पसंद नहीं है लेनी तो करोला लेनी है, तो करोला में पुराने मॉडल से सारे, तो कहते उनमें से देख लो जो लेनी है। फिर करते करते 1.6 आर्टिस्ट नहीं पे आ गए थे हम उस टाइम, 27 लैक की थी ना, नहीं 0 मीटर। तो मुझे कहते अबू कहते चलो ठीक है ये ले लेते हैं। फिर मुझे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बिलावल में जो मेरी मार्केट में, तो उनके पास मैं अक्सर जाके बैठते रहता हूँ, हाफिज़ जी। तो उसने मुझे कहा था, कहते अरे भाई इतने पैसे लगा रहे तो इतने पैसों में ना तुम ट्राई करो एक पुराना मॉडल ले लो, तो एक साल पुराना ले लो या ऐसा करके जो हो फुली ऑप्शन होता है ना गाड़ी, वो वाली गाड़ी हो। मैं कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ग्रैंडी 2017 मॉडल फुल ऑप्शन जो है, ये मैं चला रहा हूँ ये फुल ऑप्शन है। तो मैंने उससे बात की, अबू कहते हैं यार ये तो बोले ज़्यादा इसके बारे में सोच भी नहीं है। तो मैंने कहा अबू अब मैं क्या करूँ, मेरा बाकी मेरी ड्रीम कार थी एक मेरी ग्रैंडी। तो अबू कहते हैं यार चलो फिर क्या करेंगे। फिर अबू ने कहा चल तो ऐसे अगर जाके ना गाड़ी वगैरह सर्च कर रहा मार्केट में जो शोरूम्स में या किसी घर पर खड़ी, मैं निकल गया। मैंने मैं तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे महमूद भाई, हम दोनों दोस्त निकल पड़े, गाड़ी निकाली हमने वही पुरानी वाली, और रोज़ा रखा हुआ था बड़ा सख्त का रोज़ा था, गर्मी थी, हम लोग निकल गए दोनों। निकल के हमने सोचा यार क्यों ना गाड़ी सर्च करते 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 ग्रैंडे में नज़र आई यही वाली। मैंने वो कहा कि अबू बात वैसे मैंने ट्राई किया, मैं शायद वो मान ही जाए, मुश्किल था लेकिन मैं शायद मान जाए। अबू को कहते यार अरेफ मैंने गारा का मैंने कहा ग्रैंडे मिली है बड़ी साफ है, कर्नल है उनके यूज़ में, तो ना क्यों ना हम ये वाली ग्रैंडे ले लें। अबू कहते अबू का थोड़ा मुँह बन गया, कहते यार फिर ये रेंज से बाहर है लेकिन मुश्किल ही है ना। मैं कहा चलो सही है फिर कल अगले जुमे करो, जुमे छुट्टी होती थी। मैं कहा चलो मैं नेक्स्ट फ्राइडे ना कोई और जाके सर्च करूँगा कौन सी गाड़ी मुझे कोई दिल को लगे। अगले जुमे जाने से पहले मुझे दो दिन बाद ही अबू ने बैठा के ना, अबू ने कहा यार अबू ने ना ऐसे सैड सी फेस बनाई यार अरे यार बस छोड़ यार गाड़ी को ना ऐसा करते हैं चेंज ही ना कर, तू एक काम कर ना
ये पकड़ संग।